नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का टीएनपी न्यूज में। आबकारी घोटाले में फंसे दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। मनीष सिसोदिया को एक हफ्ते से सीबीआई के सवालों का सामना करना पड़ रहा है। अब मनीष सिसोदिया की इस साल की होली तिहाड़ जेल में मनेगी। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। शराब घोटाले को लेकर सीबीआई के चंगुल में फंसे दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। दरअसल मनीष सिसोदिया को रॉज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद रॉज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सिसोदिया को 2 दिन के रिमांड के बाद कोर्ट में पेश किया गया था। अब मनीष सिसोदिया की होली तिहाड़ जेल में मनेगी। जानकारी के मुताबिक मनीष सिसोदिया अभी तक कुल 7 दिन के रिमांड पर रह चुके हैं। दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता एक हफ्ते से सीबीआई की हिरासत में हैं। सिसोदिया को गिरफ्तारी के बाद 5 दिनों के लिए सीबीआई की हिरासत में भेज दिया गया था। उन्हें बीते शनिवार को अदालत में पेश किया गया, जिसके बाद मनीष सिसोदिया को विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने केंद्रीय एजेंसी को 2 और दिनों के लिए रिमांड पर भेजा था। सिसोदिया की और रिमांड मांगते हुए सीबीआई के वकील ने कहा था कि वह अभी भी असहयोगी है और हमें 2 व्यक्तियों के साथ उनका सामना करने के लिए उनकी और हिरासत की जरूरत है। सीबीआई ने अदालत से कहा था कि उनके मेडिकल में काफी समय चला गया, सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में एक पूरा दिन चला गया, जिसे खारिज कर दिया गया। नई शराब नीति में हुए भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किए गए पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बीते शनिवार को रॉज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था। इस दौरान सीबीआई मुख्यालय से लेकर रॉज एवेन्यू कोर्ट तक सुरक्षा के भारी बंदोबस्त रहे। एहतियात के तौर पर दिन भर डीडीयू मार्ग को बंद रखा गया था। बहरहाल मनीष सिसोदिया सीबीआई के चंगुल में ऐसे फंसे हैं कि उनके बाहर आने के दूर दूर तक कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। अब मनीष सिसोदिया को इस साल की होली तिहाड़ जेल में मनानी पड़ेगी। अब देखना होगा कि 14 दिन के बाद भी मनीष सिसोदिया बाहर आते हैं या नहीं, या आगे के त्योहार भी वो जेल में ही मनाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीएनपी न्यूज़।